अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी इस तरह आरपीएम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो आरपीएम है वो $1 प्लस आ जाए, तो इसके लिए आपने इंग्लिश कंटेंट बनाना है। और सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश कंटेंट का आरपीएम है वो है मोटिवेशनल कोर्स की, जो मोटिवेशनल स्पीच या कोर्स होते हैं। तो आपने उसको किस तरह बनाने, मैं आपको आज की इस वीडियो में इस तरह एडिटिंग सिखाऊँगा। पहले ये वीडियो देखे, बाद में मैं आपको बताता हूँ। One of my favorite quotes to this day, God will put you back together in front of those who broke you. तो इस तरह वीडियो आपने किस तरह बनानी है, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने टिकटॉक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च में लिखना है वेवजन। ये एक अकाउंट है और ये जो वीडियोस बनाते हैं बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस वायरल होती है। इसकी जो वॉइस है उसमें दम है। तो अगर आपकी वॉइस अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो फिर नीचे बैकग्राउंड इतनी वो मैटर नहीं करती। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है वॉइस। अगर आपकी वॉइस अच्छी हो और नीचे बैकग्राउंड अच्छी हो, फिर तो आपकी वीडियो वायरल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपने वॉइस इसी लेनी है क्योंकि इस तरह वॉइस आप फ्री में नहीं बना सकते। 11 लिप्स आपको बाय करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिस पे आपको कोई इशू भी ना आए। फिलहाल इसमें कोई इशू नहीं आता इसकी वॉइस पे, ठीक है। आप टिकटॉक से ले सकते हैं, फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से भी, किसी भी जो भी वॉइस जिसकी भी मोटिवेशनल बंदी की आपको वॉइस अच्छी लगे हो वो आप ले सकते हैं। तो सिंपल उसको डाउनलोड करें। और फॉर एग्जांपल मैं इधर से एक वीडियो डाउनलोड करता हूँ, तो पहले मैं चेक करता हूँ जो वीडियो अच्छी हो, फिर वो मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। और उसके बाद आपने इसको एडिट किस तरह करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इधर से आपने किसी भी जो भी वॉइस आपको अच्छी लगे उसको आपने सिंपल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसने भी अलाउ किया है और इसने अलाउ भी किया है ये नीचे, इधर सेव सी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने इधर इंस्टाग्राम पे आना है। जो सेकंड है आपकी वॉइस तो जनरेट हो गई, स्क्रिप्ट भी वो वॉइस के अंदर आ गई। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो वॉइस है वो तो आपकी कंप्लीट हो गई। अभी जो है वो है बैकग्राउंड वीडियोज़। तो आपने इंस्टाग्राम पर आना है और इधर आपने सर्च करना है ईगल, ईगल आपने सर्च करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेगी ईगल की, लेकिन आपने वो वाली वीडियोस डाउनलोड करनी है जो बहुत ज़्यादा HD में हो। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो इसकी HD आप देखें बहुत ज़्यादा, 1.1 मिलियन इस पर लाइक आ गई है। इसको आप कॉपी करें, इसका जो लिंक है वो इधर से आप कॉपी करें, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्निपट्यूब से। मैं स्निपट्यूब भी करता हूँ, आप क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्रोम में लेके इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, तो इधर से भी कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रोफाइल है वो भी आपने ओपन करना है। तो इसमें जो भी ईगल की वीडियो या लॉइन की वीडियो, तो उसको आपने करना है डाउनलोड। तो मैं कुछ वीडियोज़ डाउनलोड करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाता हूँ कि आपने किस तरह डाउनलोड करनी है। लेकिन बैकग्राउंड जो वीडियो है वो आपने बहुत ज़्यादा HD में जो वो आपने डाउनलोड करनी है, फिर वो इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल होगी। बहुत ज़्यादा लोग वीडियो वायरल करने से यानी बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी वीडियो वायरल नहीं होती। इसकी मेन रीज़न यही है कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं होती, आपकी वीडियो इंगेजमेंट नहीं होती, इस वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं होती। तो आपने बैकग्राउंड वीडियो पहले डाउनलोड करनी है। तो हमारे पास बैकग्राउंड वीडियो भी आ गई एंड हमारे पास वॉइस भी आ गई। अब हमने इसको करना है एडिट। तो एडिट आपने किस तरह करना है, आपने कैपकट को ओपन करना है और इधर आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद इधर आपने वही वीडियोज़ डाउनलोड कर वो ऐड करनी है जो हमने डाउनलोड की बैकग्राउंड के लिए। तो मैं जल्दी से वही वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो तो मैंने ऐड की, इसको अभी आपने एडिट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इधर म्यूट क्लिप ऑडियो इस पर क्लिक करना है, तो सारी जो क्लिप है उसकी जो वॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी यानी म्यूट हो जाएगी। उसके बाद आपने नीचे ऑडियो पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। तो आपने गैलरी से वही वीडियो सेलेक्ट करनी है जो हमने वॉइस के लिए डाउनलोड की थी, जो पहले मैंने आपको
वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम इस तरह वीडियो क्रिएट करना आपको मैं सिखाऊंगा, तो वही वीडियो मैं ऐड करूंगा। आप किसी भी वीडियोस को कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो मैं जल्दी से सेलेक्ट करता हूँ, तो वही वीडियो मैंने सेलेक्ट की, तो इसकी जो वॉइस है वो एक्सट्रैक्ट हो गई। पहले मैं इसको एक बार सुनता हूँ। One of my favorite quotes till this day, God will put you back together in front of those who broke you. तो दोस्तों इधर जो इसकी वॉइस है, जो टिकटॉक की जो अपनी वॉइस है, उसको आपने कट करना है। तो इधर से इसकी वॉइस है इधर, तो इसको आपने ये जो नीचे इस पर पहले इस पर वॉइस पे क्लिक करना है, और ये नीचे जो स्प्लिट है इस पर क्लिक करना है। ये जो वॉइस है इसको आपने नीचे इधर से डिलीट करना है। तो अभी आप सुने, तो ये तो कंप्लीट हो गई। अभी आपने क्या करना है, ये कितनी सेकंड की वीडियो है, ये है 11 सेकंड की, 10 सेकंड की। स्टार्ट में आपने इस तरह छोटी छोटी वीडियो उठा लेनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अभी दूसरा जो है वो ये है कि आपने स्टार्ट में अच्छी वीडियोस लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं ये जो लाइन की वीडियो है वो लगा लेता हूँ, तो फिर वीडियो की जो लुक होती है वीडियो ज़्यादा फिर अच्छी लगती है। तो इसकी जो बेस्ट पार्ट होती है वो मैं इधर से ये लगाऊँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, स्टार्ट वाला डिलीट करता हूँ, ये हो गया। इधर आपने 2-3 सेकंड से एक क्लिप ज़्यादा नहीं यूज़ करना, 3 सेकंड से या 4-5 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, अभी आप चेक कर लें। One of my favorite quotes till this day. तो ये आपकी फर्स्ट क्लिप एडिट हो गई, और इसकी ये भी क्लिप मैं करता हूँ। इधर से स्प्लिट स्टार्ट वाला डिलीट करता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा जूम करता हूँ, और इसको भी इधर से स्प्लिट करता हूँ। सब क्लिप्स को आपने 3-4 से यूज़ नहीं करना, 3-4 सेकंड से। तो ये हो गई, दूसरा वाला ये भी मैं डिलीट करता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा जूम करता हूँ। इसके बाद आपने ये मैं डिलीट करता हूँ, ये वाला अच्छा नहीं है, इसको यूज़ करता हूँ। ये चेक कर ले कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपने भी सेम इसी तरह करना है। और ये जो क्लिप से ये बस वॉइस कम है, आप 1 मिनट की भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में जितनी वीडियो छोटी हो फिर चांसेस है कि आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। तो उसके बाद आपने ये जो ये निशान है इस पर क्लिक करना है, ब्लैक फेड इस पर क्लिक करना है, और इसको आपने इस तरह कम करना है 0.03 सेकेंड, एंड इधर आपने अप्लाई टू ऑल करना है। तो उसके बाद टिक पर क्लिक करना है, तो सारी जो क्लिप है उस पर ये लग जाएगा, ये फेड इफेक्ट, ये चेक कर लें। ओके, ये लग गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने करना है फर्स्ट क्लिप पर क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिप पर, और नीचे इधर आना है, ये जो एडजस्ट लिखा है इस पर क्लिक करना है, ब्राइटनेस पर क्लिक करना है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपने -50 करना है, और फिर इधर आना है इसकी जो हाईलाइट है, हाईलाइट भी -50 करना है, शेडो भी आपने थोड़ी सी कम करनी है -15, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो विग्नेट है इसको आपने +45 से लेकर 40-45 के बीच कर देनी है। और नीचे जो अप्लाई टू ऑल इस पर क्लिक करना है, तो सारी जो वीडियोज़ है उस पर आपकी ये इफ़ेक्ट लग जाएगी। अभी चेक करें, तो ये हो गया। ये वीडियो आप फिर यूट्यूब पे भी डाल सकते, तो क्योंकि आप टिकटॉक पे वैसे भी डालते हैं, तो यूट्यूब पर भी डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, फेसबुक पे डालें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अभी हम सबटाइटल ऐड करेंगे, लेकिन सबटाइटल जो है वो तो इस ऐप पे यानी इस तरह ऐड होती है, वो स्टाइल में नहीं होती। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ऐप, ज़ीमो ऐप, इसको मैं यूज़ करता हूँ। इसको आप बाय भी कर सकते हैं, तकरीबन 800 रुपये पे पाकिस्तानी आपको मिल जाएगा, 800 रुपये मंथली। अगर आपके पास पैसे, आप अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं इस पे, तो आप ये वाला बाय करें, लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते तो ये फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये चेक कर ले, ये है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं जिस तरह बनाऊँगा ना वो मैं आपको सिखाऊँगा,
क्योंकि स्टार्ट में जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी मैं सेम वही आपको सिखाऊंगा कि मैंने ये कैसे वो सिखा वो बनाया है। तो उसके बाद आपने ऊपर इसको 60p रिकमेंडेड हाई करना है और इसको 1080p भी करना है और इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। वीडियो तो एक्सपोर्ट हो गई, इधर आपने डन करना है तो ये आपकी गैलरी में चली जाएगी। उसके बाद आपने जीमो ऐप ओपन करना है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से आप इसको करें, ये चेक करें जीमो प्रो, इसको मैंने बाय किया है। तो ये न्यू प्रोजेक्ट जो है ना, इस पर आपने क्लिक करना है और गैलरी से वही वीडियो सेलेक्ट करनी है जो हमने अभी एक्सपोर्ट की कैपकार्ट पे, तो वो मैंने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे AI इमोजी ऑफ होगा, आपने ऑन करना है, फिर इमोजी आपके टाइटल के साथ ऐड होगा, कैप्शन के साथ। लेकिन अगर आप वो आपको अच्छी नहीं लगती तो इधर से आप कर सकते। और स्पोकन लैंग्वेज है वो आप इंग्लिश कर ले, ये जो ट्रांसलेट है इसको आपने नो ट्रांसलेशन करना है। रिकॉग्नाइज पर आपने क्लिक करना है, तो थोड़ा सा आपने वेट करना है तो ये ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट करेगा इमोजी के साथ साथ। तकरीबन 10 सेकेंड में इसने कैप्शन जनरेट की। अभी आप एक बार वीडियो देखे फिर इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद वीडियो तैयार है। Favorite quotes till this day. God will put you back together in front of those who broke you. तो काफ़ी वीडियो तो काफ़ी अच्छी, लेकिन इसकी जो कैप्शन है वो बहुत ज़्यादा वो बड़े। तो आपने ये फर्स्ट वाले कैप्शन पे क्लिक करना है, नीचे जो स्टाइल लिखा है इस पर क्लिक करना है, ऊपर थर्ड नंबर पे साइज लिखा है इस पर क्लिक करना है, और इसको अपनी 14 या 13 पे कर देना है। तो ये फिर ऐसा होगा, इसकी ये भी कैप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है और इधर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। नीचे आप ये चेक कर लें, इसमें ये एक ये है, ये काफ़ी अच्छा है, ये भी आप एक बार चेक कर लें। One of my favorite quotes till this day. God will put you back together in front of those who broke you. तो स्टार्ट में मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है। अगर आपके पास यानी आपका शौक है तो आप ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी वीडियो तैयार। ऊपर आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और आपने HDP नहीं ओरिजिनल क्वालिटी करना है, और इधर आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, इधर आपने डन करना है। डन करने के बाद मैं गैलरी में आपको दिखा देता हूँ, तो आप चेक कर ले। One of my favorite quotes till this day. God will put you back together in front of those who broke you. तो स्टार्ट में आप जो वीडियो है वो आप काफ़ी चोटी ले तो आपकी चांसेस ज़्यादा होती है वीडियो की कि वो वायरल हो जाए। इंशाल्लाह आप मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, मैंने इसको YouTube पे भी अपलोड की थी, आप चेक कर ले। मैंने सिर्फ एक वीडियो अपलोड की थी, ये चेक कर ले, और इस पर 571 व्यूज़ आ गए थे। ये मैंने वैसे बस टिकटॉक के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आप इधर भी अपलोड करें, तो फिर मैंने नहीं की। तकरीबन 10 दिन हो गए YouTube पे अपलोड नहीं की, और 100% मेरी ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स ही आई है, ये भी आपको एक प्रूफ मिल गया। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रूफ के साथ बनाता हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप मेहनत करें, मैं चाहता हूँ कि मैं डॉलर कमाता हूँ आप भी कमाएं, लेकिन मैं आपको ऐसा कंटेंट बताऊँगा जो इसकी जो RPM है वो $1 प्लस हो, क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट पे मैंने भी तकरीबन 5 महीने ज़ाया किए, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना करें। और ये जो काम है ना, ये प्रोक्सी के अंदर आप करें, यानी प्रोक्सी के अंदर आप वीडियोस अपलोड करें तो फिर आपकी RPM बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप प्रोक्सी बाय नहीं कर सकते तो फ़िलहाल तो प्रोक्सी में इशू भी है, जब इशू हल हो जाए फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो प्रोक्सी के अंदर आप टिकटॉक पे इस तरह वीडियोज़ अपलोड करिए, आपका RPM $1 तो वैसे भी आएगा, $1.50 आपका RPM आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।